मार्केट की तरफ। हमारे साथ फोन लाइन पर HDFC सिक्योरिटी से अनुज गुप्ता मौजूद हैं। अनुज जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। तो कल काफ़ी सारे आंकड़े आए हैं, PCE के आंकड़े आए हैं, इसके अलावा बेरोजगारी के भी आंकड़े आए हैं। कैसे देख रहे हैं तमाम ट्रिगर्स को कमोडिटी मार्केट के लिए? सबसे पहले सोने चांदी से शुरुआत कीजिए। मुझे जी गुड मॉर्निंग। कल हमने जो डेटा देखा, चाहे वो पर्सनल स्पेंडिंग का था, पर्सनल इनकम या बेरोजगारी का, सभी डाटा थोड़े से नेगेटिव आते हुए दिखाई दिया और उसकी वजह से हमने देखा कि डॉलर इंडेक्स में एक गिरावट का रूप दिखने को मिला। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि मार्केट जो है वो एक सपोर्ट देता हुआ दिखाई दिया और कल हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर के भावों में एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ दिखा। तो अगर हम बात करें आज की, तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी गोल्ड सिल्वर में एक बाउंस बैक देखा जा सकता है, खरीदारी के मौके देखने को मिल सकते हैं। अगर हम बात करें सिल्वर की, तो हमें लगता है सिल्वर में करीबन 70,550 के अराउंड बाय करें, स्टॉप लॉस 70,080 का, टारगेट करीबन 71,200 देखा जा सकता है। हमने देखा कि गोल्ड के भाव इंटरनेशनल मार्केट में करीबन 2040 के आसपास चल रहे हैं। हमें लगता है कि 2050-2055 तक के लेवल भी गोल्ड में देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये है सलाह सोने चांदी पर। खरीदारी करके चलिए चांदी में, और इसके अलावा यहाँ पर 71,200 के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं सिल्वर में, ये रणनीति। अनुज, इसके अलावा कच्चे तेल पर भी सलाह दीजिए, क्या करें वहाँ पर? देखिए, कच्चे तेल में कल एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखा गया, हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग रही, तो हमें लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हायर लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो क्रूड में हमारा सेल कॉल रहेगा करीबन 6,530 के आसपास बिकवाली करें, 6,600 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6,425 तक देखने को मिल सकता है। और अगर प्राइस 6,400 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ पे खरीदारी भी करना चाहिए। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो क्रूड का भाव अभी 6,400 से लेकर 6,600 के बीच मूव कर रहा है, कहीं ना कहीं डिमांड कंसर्न जो है वो यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। तो उसकी वजह से हमने देखा कि हायर लेवल पे एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है क्रूड, तो यहाँ पे सेल एंड बाय की स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो यह सलाह कच्चे तेल पर। अनुज जी, एक आखिरी सवाल होगा बेस मेटल्स पर, वहां पर मौके आप कहाँ देख रहे हैं? देखिए, कल जो हमने देखा कि बेस मेटल में एक रिकवरी देखने को मिली, कल कॉपर में एक अच्छी रिकवरी देखी गई, हालांकि जिंक में भी एक अच्छा मोमेंट देखने को मिला। तो कॉपर हमारे रडार पे रहेगा, तो कॉपर में हमें लगता है कि करीबन 728 के आसपास खरीदारी करना चाहिए, 724-750 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 733 तक देखा जा सकता है। तो सभी बेस मेटल में हमने निचले स्तर से खरीदारी लौटती हुई देखी, हमें लगता है कि बेस मेटल में भी खरीदारी का ट्रेड बना के चल सकते हैं। ओके, थैंक यू अनुज आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कॉपर में, बेस मेटल्स में कॉपर अच्छा लग रहा है, तेजी करने के लिए आप यहाँ पर नजर रखिए। 728 के लेवल्स पर अब मिलता है तो तेजी करके चलिए, और टारगेट होगा 733 का। और इसके अलावा सिल्वर में खरीदारी करने की सलाह, कच्चे तेल में बिकवाली की राय आ रही है अनुज की तरफ।